नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं सिंक को चमकाने का एक बहुत ही आसान तरीका, जिससे कितना भी गंदा आपका सिंक हो, कितना भी चोक हो चुका हो, तो भी आप अपने सिंक को बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सिंक के नीचे का जो पोर्शन होता है वो पूरी तरीके से चोक हो जाता है और पानी निकलना बंद हो जाता है, तो उसे भी आज हम साफ़ करेंगे और वो भी बहुत ईजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे और आप देखेंगे बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की टिप्स और अमेजिंग सी रेसिपीज़ हम हमेशा आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये देखिए, इन टैप्स को मैंने बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया है, वो भी सिर्फ इसी वजह से ताकि मैं ये वीडियो बना सकूं। आप देख सकते हैं कि टैप का कलर कितना गंदा हो चुका है और बहुत डल पड़ चुकी हैं। इसी के साथ सिंक को आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डल हो गया है, बहुत धब्बे हैं इस पर, बिल्कुल भी चमक नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ ये अंदर का पोर्शन सिंक के, जहाँ पर पानी निकलता है, जो जाली बनी हुई होती है वो, ये देखिए कितना ज़्यादा काला हो गया है, कितना गंदा हो गया है। यूजुअली मैं इसे हमेशा 15-20 दिन में साफ़ करती रहती हूँ ताकि इतना ज़्यादा गंदा ना हो, लेकिन मैंने इस बार वीडियो बनानी थी इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से गंदा होने दिया है, ताकि आप इजीली देख सकें कि कितनी आसानी से आप इन सारी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी तरीके से, बहुत कम खर्च में। तो आज हम इस पाइप को भी चमकाएँगे, इसके साथ साथ इस सिंक को भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच खाने का सोडा। यहाँ मैं सबसे पहले डाल रही हूँ ये जो जाली बनी हुई है इसके ऊपर, एक चम्मच खाने का सोडा। यहाँ मैंने एक चम्मच डाला है। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ही ज़्यादा गंदा है तो आप जो है यहाँ पर 2 चम्मच खाने का सोडा भी डाल सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अब डालेंगे सिरका, जो खाने वाला सिरका होता है सफ़ेद वाला, हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास गन्ने वाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो उसके ऊपर से मैंने डाला सिरका। इसका बेसिकली क्या काम है कि जो नीचे पाइप है उसमें जो जमा गंदगी है वो बहुत आसानी से निकल जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और चमक आएगी। तो इसे इस तरीके से छोड़ देंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है एक वाइट पेस्ट, जिसका बेस एकदम वाइट हो, उस तरीके का पेस्ट आपको चाहिए। इस पेस्ट को मैं बहुत आसानी से अब अपने हाथ की मदद से इस तरीके से टैप पर पूरे सिंक में लगा दूंगी। आप चाहें तो किसी जो जूना वगैरह होता है उससे लगा सकते हैं, मैं हाथ से ही लगा रही हूं। और अच्छे से लगाएं ताकि इनमें अच्छी सी शाइन आए और इनकी गंदगी कम हो। अगर आपको लगता है कि टैप बहुत ज़्यादा गंदी हो तो ऐसे में आप जो है पेस्ट को लगाकर लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें, तब आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैं यहाँ पर इसे 10 मिनट के लिए लगाकर ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि अच्छी सी शाइन आ जाए, क्योंकि टैप गंदी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इन्हें साफ़ करती रहती हूँ। मैं हमेशा अपने किचन को क्लीन रखने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई से रहना और रखना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं दोनों टाइम का खाना बनाती हूँ या फिर 3 टाइम बनाऊँ, जितने भी टाइम खाना बनाऊँ उतनी बार जब बर्तन साफ़ करती हूँ तो सिंक को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, और साथ ही साथ टाइल्स वगैरह को भी बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो अगर आप जो है कहेंगे तो मैं अपने किचन का एक टूर आपके लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। जितनी ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स आएंगे उसी के हिसाब से मैं जो हूँ आप लोगों के साथ अपने किचन का टूर शेयर करूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा दिया, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि ये सारे में अच्छे से फैल जाए, क्योंकि थोड़ा सा सूखा सूखा हो रहा था तो ठीक से नहीं फैल रहा, तो मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पूरे में फैला दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने इसको फैला दिया है। अब सिंक के अंदर भी हम अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये देखिए मैं अच्छे से लगा रही हूँ इसको। अगर आप जल्दी जल्दी अपने सिंक की और टैप की सफाई करते रहते हैं तो सिंक जो है बहुत ज़्यादा चमकदार रहता है। मुझे सफाई करनी थी अभी तो इसलिए मैंने ज़्यादा साफ़ नहीं किया था। अब यहाँ पर जहाँ मैंने विनेगर और सोडा डाला था उसी के ऊपर से मैं गर्म एकदम खोलता हुआ पानी डाल रही हूँ, लगभग 0.5 लीटर, ताकि पाइप में जो जमा गंदगी है वो हम अच्छे से ईजिली साफ़ कर सकें, क्योंकि पाइप जो है ना अंदर से साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप जो है इस तरीके से पहले सोडा और विनेगर इस तरीके का पेस्ट डाल देते हैं, उसके ऊपर से गर्म पानी डाल देते हैं, तो ऐसा करने से आपको बहुत इजी तरीके से आपका जो पाइप है और जो सिंक के नीचे का पोर्शन है जो पूरी तरीके से चोक हो जाता है, उसे आप साफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैं पूरी तरीके से इसको खोल रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसके बीच में एक छोटा सा ना पेच दिया हुआ होता है, जिसको उल्टी साइड में घुमाने
घुमाने से ये आसानी से खुलकर आपके हाथ में आ जाता है। ये जो कटोरी आपको दिख रही है इसे आप ऊपर से निकाल सकते हैं और ये है नीचे का पोर्शन। आप देख सकते हैं कितना गंदा हो गया है और इसे अब हम साफ़ करेंगे बहुत आसानी से। मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए इसका जैक और ऊपर का पोर्शन भी मैंने निकाल लिया है और ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है इसके ऊपर। इसे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन करेंगे। तो ये देखिए इसमें जो जैक लगी हुई होती है ना, जो ये आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, इसमें काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब भी सिंक में के आसपास हम काम करते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है। वो इसी वजह से होती है कि जितनी भी चिकनाई और जो फूड पार्टिकल्स नीचे फंसे रह जाते हैं वो सारे के सारे जो है ना स्मेल बनाते रहते हैं नीचे। और अगर आप इसको अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो हमेशा जब भी आप सिंक के पास खड़े होंगे आपको स्मेल आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक टूथब्रश ले लिया है जिससे मैं अच्छे से इसको क्लीन कर रही हूँ। और अगर आप जो बर्तन साफ़ करने वाली साबुन होती है उससे साफ़ कर सकते हैं, विम लिक्विड से साफ़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा गर्म पानी में खाने का सोडा, विनेगर और विम लिक्विड मिला लीजिए और उस पेस्ट से आप इजीली क्लीन कर सकते। मैं हमेशा जल्दी जल्दी सफाई करती रहती हूँ तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है अंदर से। तो ये अंदर से उतना ज़्यादा गंदा नहीं निकला, लेकिन ये जो जैक होता है ना रबड़ का, इसके ऊपर थोड़ी बहुत गंदगी ज़रूर चिपक जाती है। तो इसे भी ज़रूर साफ़ करें और अच्छे से क्लीन करें ब्रश की मदद से। अब हम करेंगे इसे साफ़। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें गंदगी जमा हो गई है। जो भी हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स इसमें इकट्ठे होते हैं वो धीरे धीरे करके सड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपने कई बार महसूस किया होगा कि डस्टबिन के आसपास से, सिंक के नीचे से बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो वो यही कारण होता है कि ये जो है गंदगी फैलाते रहते हैं और हाइजीनिक नहीं रहता हमारा किचन बिल्कुल भी। अब हम करेंगे पाइप को साफ अच्छे से। तो इसके लिए टैब के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए पाइप को और इसे रब कर दिए, इस तरीके से रगड़िए अंदर ही अंदर। तो इसके अंदर जितनी भी चिकनाई और गंदगी जमा है ना वो सारी निकल जाएगी, क्योंकि हमने इसमें गर्म पानी डाला था तो बहुत आसानी से निकल जाती है। बस पाइप को हल्का सा आपने बाहर की साइड से ही रगड़ना है और आपको जो है बहुत प्रेशर के साथ इसमें पानी डालना है। तो ये देखिए पाइप भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। बस इसी तरीके से हम साबुन लगा लगा कर ब्रश की मदद से इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से चमका लेंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा गंदा है, चिकनाई इकट्ठी हो गई है, साफ़ नहीं हो रहा है, तो आप गर्म पानी के साथ विनेगर का जो पेस्ट मैंने आपको बताया वो बनाकर लगाएंगे ना तो ये इजीली क्लीन हो जाता है। मेरा सिर्फ बहुत ही कम गंदा था, यानी कि सिर्फ 2 वीक से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। बाकी ये देखिए आप अंदर से एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है। बस 1-2 बार साबुन लगाइए मैंने ब्रश से और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया साफ़ हो गया है अंदर से। तो अब हम करेंगे इसे बाहर से साफ़। इसे बाहर से साफ़ करने के लिए यहाँ पर मैं तार वाले जूने का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी साबुन और विम लिक्विड लगा लिया है ताकि इजीली क्लीन हो जाए, क्योंकि विम लिक्विड से ना चिकनाई बहुत इजीली क्लीन हो जाती है। और अगर आप जो है इसको बहुत ज़्यादा गंदा है, जिद्दी दाग है, नहीं हट रहे हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा हारपिक डालकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, ये बहुत ही बढ़िया साफ़ हो जाता है। लेकिन ये जो है दाग, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं है, अगर मैं हल्का सा रब करूँगी तो ये ईजिली छूट जाएंगे। तो मैं इस तरीके से इसको भी क्लीन कर लूँगी। अगर आपको लगे दाग बहुत ज़िद्दी हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी भी आप ले सकते हैं। मैंने उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है ये देखिए, और इसे हम पानी से धुल लेंगे। और इसी के साथ आप करेंगे हम पाइप को साफ़। पाइप पर भी आप जूने से, जो तार वाला जूना है, उससे रगड़ रगड़ कर साफ़ करेंगे तो सारी चिकनाई बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और जो सिंक के नीचे जो पोर्शन होता है जहाँ पाइप लगी हुई होती है, उससे भी तार वाले जूने से साफ़ करेंगे तो साबुन लगा कर, तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो अब मैं आपको पूरा क्लीन करके दिखाती हूँ, आप पहले और बाद में साफ़ तरीके से अंतर देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से ये साफ़ हो गया है। पाइप भी एकदम क्लीन हो गई है। अब हम साफ़ करेंगे ऊपर वाला हिस्सा जिसमें हमने पेस्ट लगाकर छोड़ दिया था, क्योंकि इसे भी लगभग 10 मिनट हो गए हैं। मैं इसे भी जूने से रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि पेस्ट लगा हुआ है तो ये जो जितनी भी गंदगी होती है वो अच्छे से फूल जाती है। तो अब हम इसे रगड़ कर अच्छे से साफ़ करेंगे। इसे साफ़ करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएँ और अच्छे से रगड़ते जाएँ जूने से। ये जो इसके बीच की जाली होती है इसे भी मैं रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा चिकनाई है तो अगेन आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा सोडा और विनेगर डालिए और बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैंने ब्रश से और ये देखिए जूने से इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और अब बचे हुए सिंक को भी मैं बढ़िया तरीके से क्लीन कर दूंगी और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पानी डालकर। बहुत ही बढ़िया तरीके से टैप बिल्कुल चमक गई हैं और सिंक भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। मैं बढ़िया तरीके से एक बार पानी से धुल लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी चमक आ गई है इसमें, आप देख सकते हैं पहले और बाद में बहुत आराम से अंतर आपको दिखाई देगा। ये देखिए आप, मेरे को दिखा रही हूँ बिल्कुल पास से, सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे। ये वाली टैप भी दिखाती हूँ, देखिए ऊपर से मैं पानी डाल रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है, एकदम नई जैसी हो गई है। और अब जो है हम सिंक में भी अच्छे से सफाई कर लेंगे पानी डालकर, उसके बाद मैं आपको पूरा सिंक दिखाती हूँ।
तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सिंक और साथ में जो साइड में बर्तन रखने का स्टैंड सा होता है वो भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है, एकदम शाइन आ गई है सारी चीज़ों में, बिल्कुल चमकदार हो गई हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल आज ही नया लगवाया हमने। आप टैप भी देख सकते हैं और सिंक भी देख सकते हैं, इसके अंदर जो जाली है वो भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन हो गई हैं, चमक आ गई है। आप भी इसी तरीके से सिंक को और जो चौक हो जाता है नीचे का पोर्शन, उसके जो पाइप होता है उसे भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, एकदम नए जैसा कर सकते हैं। ये देखिए जाली तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे आज ही आपने नई ला करके लगाई है बिल्कुल। ये देखिए आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया क्लीन हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से अपने सिंक को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अपने काम की लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसके लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय बाय।